गुरुग्राम सिटी के पॉश इलाकों में मंगलवार को मीट की दुकान खोलने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाई गई ड्राइव में कई दुकानदारों को नोटिस दिए गए तो कई दुकानदारों के चालान काटे गए। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान गोल्फ कोर्स रोड के आसपास बनी हुई लग्जरियस दुकानों के चालान किए और उन्हें नोटिस भी जारी किए गए। इस संबंध में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि सिटी के सुपर मार्ट ग्लेरिया और डीएलएफ सेक्टर 4 और पालम विहार जैसे पॉश इलाकों में नगर निगम ने मीट बैन को लेकर एक ड्राइव चलाई थी, जिसमें कईयों के चालान काटे गए और कईयों को चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि नगर निगम की सदन बैठक में सिटी के 35 पार्षदों ने सर्वसम्मति से मंगलवार को मीट की दुकान बंद रखने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद शुरुआत में मीट की दुकान चलाने वाले उन तमाम दुकानदारों को नोटिस दिए गए थे और इसी के चलते सुपरमार्ट कॉम्प्लेक्स में खुली हुई मीट की दुकानों के चालान भी किए गए। मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम की टीम ने शहर के पॉश इलाकों डीएलएफ फेज 1, 2 और 3, ग्लेरिया मार्केट, ओल्ड डीएलएफ सेक्टर 14 व सेक्टर 4 और पालम विहार जैसे इलाकों में ड्राइव चलाई गई। इस ड्राइव के दौरान मंगलवार को खुली हुई मीट की दुकानों के खिलाफ चालानिंग की गई और दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए। इसके अलावा चेतावनी देते हुए उन्हें ये भी बताया गया कि अगर मंगलवार को मीट शॉप खोली जाती है तो उनके खिलाफ 5,000 के चालान किए जाएंगे और दुकानों को सील भी किया जाएगा। ज्वाइंट कमिश्नर से जब इस मामले को लेकर विदेशी मूल के लोगों को आने वाली परेशानियों पर बात की तो उन्होंने बताया कि ये नियम सभी खासो आम के लिए एक समान है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर मस्जिद मीट मार्केट एसोसिएशन द्वारा कोर्ट में इंसाफ की गुहार लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम की मंगलवार को मीट की दुकान खोलने वालों के खिलाफ नोटिस देने और चालान करने की प्रक्रिया जारी है। नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है सर, राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या करते हो? हम जैसे अपने तहसील से मजदूरी करते थे, किसान थे, फिर लॉकडाउन लग गया हमारे साथ तो हम फिलहाल यहीं रह रहे थे। तो हम तो कल 2-3 होली के त्यौहार से छुट्टी भी थी हमारी, तो उस वजह से हम काम पे भी चले गए सर। तो हमारे को इतना पता नहीं था, झुग्गी तोड़ देगा। एक दिन आए थे भी सर तो वो बोले थे हमारे को भैया झुग्गी हटा देना, तो हमने देखा ऐसे ही बोल रहे हो गए। तो हम तो मजदूरी चले गए थे, कल हमारे सामान भी है, हम खाने पीने का भी राशन था। तो हम देखने के बाद इनको ऐसे नहीं पता चला, इतना सब झुग्गी हटा रहे थे तो हम भी हटाने लगे। तब सर ने ला के जेसीबी लगा दिया, हमारा सारा तोड़ फोड़ कर दिया। हम गरीब आदमी लॉकडाउन की वजह से अब कहाँ जा भी नहीं सकते हैं सर, तो कहीं जाएं? वैसे हमारे को अभी मार्केट भी बंद है, किधर जाएं तो जाएं। अभी गाड़ी भी हम करीबन यहाँ पे काफ़ी लोग थे हमारे साथ, हमारे भाई, हमारे परिवार, जैसे हमारे यार दोस्त सभी थे यहाँ पे, परिवार के साथ थे हम। हमारे हम सर अब कहाँ जाने की, कहाँ जाएं हम? हमारी सारी झुग्गी झोंपड़ी सब राशन पानी तो टूट चुका है लॉकडाउन ने, हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? अब कोई समस्या का जी सर, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए हमारे अब जाने का कहीं समाधान भी नहीं है। अब जाएं तो कहाँ जाएं? लॉकडाउन लग रहा, जाएं तो सर अब देखो सरकार के मुआवजे पे है, हम कहाँ जाएं? कहाँ छत लगाएं? हमारे सभी कुछ परिवार के साथ थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अब लॉकडाउन की वजह से हमारे को राशन भी नहीं मिल रहा है। कुछ सी चीज़ों की ऐसी समस्या आ रही है जिसी का कोई समाधान भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मालिक था, दयालु था, वो हमारे को रहने के लिए उसी की थी नहीं यार थी, बल्कि उन्होंने हमारी मदद थी उनके साथ, रोज़गार हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम रह रहे थे। तो उन्होंने यहाँ पे रहने के बावजूद भी हमारे को कुछ नहीं बोला मालिक ने, बल्कि सरकारी ज़मीन थी तो ये सब पता नहीं था हमारे को सरकारी थी या उन्हीं की थी। हमारे से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, कोई कुछ नहीं किया जा रहा था सर। ओके। बल्कि ये हमारे को रहने के वजह हमारा वैसे सलासत बढ़िया था यहाँ पे रहने का, बल्कि लॉकडाउन की वजह से हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? ओके सर, डिमोलिश ड्राइव चलाई है आपने, कहाँ है ये इलाका और क्यों ये डिमोलिश ड्राइव चलाई जा रही है? ये वजीराबाद का इलाका है, ये हमारी HSBP की लैंड थी, 293 एकड़ लैंड है लगभग। इसमें 15 एकड़ में इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जाना है और 7 एकड़ में हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक महीना से लगातार हम यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहे थे और इन सभी को नोटिस भी पंपलेट के द्वारा चस्पा किए गए थे और इनको वो खाली करने के भी आदेश दिए गए थे। कितनी तकरीबन यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, लगभग क्या उनकी पहचान हो पाई है? लगभग 15 से 2,000 के करीब में ये झुग्गियाँ हैं और ये आप देख रहे हैं सामने ये कच्चे जो मकान बनाए हुए थे, ये लगभग 200 के करीब है। तो क्या कुछ किराया वसूल किया जा रहा था यहाँ पे? हर झुग्गी वाले से किराया लिया जा रहा था
500 से रुपए लेके और 2000 तक। क्या इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे सर? बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे ACP साहब साथ हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं। जिस जिन लोगों द्वारा किराया लिया जा रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड थी और गवर्नमेंट लैंड पे ये नजायज रूप से किराया लिया जा रहा था। तकरीबन कितने एकड़ पे कब्जा किया हुआ था? ये 15 एकड़ पर। कुछ लोग आए भी थे आपके पास की कहा उनके उनके पास जो है ना स्टे है? नहीं नहीं नहीं, स्टे किसी के पास नहीं है। एक जो बंदा आया है, 1000 गज उसकी जो जमीन है वो अवार्ड में शामिल नहीं की गई। ये जमीन जो बीच में पड़ती है और इसको कोई रास्ता नहीं लगता, इस पे इलीगल तरीके से ये जो कमरे टीन शेड डाल के कमरे बनाए गए थे, इनके अंदर से ही इनके सामान सप्लाई होता था और चक्की सारा सारा कुछ इसी में लगाया हुआ था। तो अभी कितना जो है डिमोलिश ड्राइव बाकी है? अभी आधा कर दिया है, आधा के करीब हम करेंगे और उसके बाद हम कंसल कॉम्प्लेक्स में जितनी भी अवैध रूप से नाजायज कब्जा किया हुआ उनको भी हटाएंगे। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।